दर्द भरी आहें काटो बुरी राहें, दर्द भरी आहें काटो बुरी राहें, कौन चाहे पर मिलती है। जोशीला दिल हो सामने मंजिल, हर कोई चाहे कि मिल जाए पर मिलती नहीं है। नमस्कार साथियों, दिस इज़ रवि कुमार योर फ्रेंड योर टीचर, एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर। सो माई डियर फ्रेंड्स, एज यू नो वेरी वेल दैट वी हैव स्टार्टेड अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स रिसेंटली, एंड दिस इज द क्लास नंबर 4 ऑफ दैट स्पोकन क्लास। सो माई डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। इन दी लास्ट क्लास हमने जो सीखा था, वो सीखा था अभी हैबिट और रूटीन के बारे में, कि हम किस तरीके से हैबिट और रूटीन का यूज करते हैं। ठीक है, जिस किस तरीके से हैबिट रूटीन का हम यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको वही चीजें रिवाइज करवाना चाहूंगा जो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर सीखी है, कि हम किसी भी इंसान से जब मिलते हैं तो मिलते ही हम उसको पहले क्या करते हैं, विश यू गुड मॉर्निंग, विश यू गुड मॉर्निंग, विश यू गुड मॉर्निंग। सामने वाला क्या कहता है, भाई सो टू यू। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग कहें, इवनिंग कहें, नाइट कहें या फिर आफ्टरनून कहें, तो सामने वाले का रिप्लाई होता है भी सो टू यू। इसके बाद साथियों, हम सामने वाले से कहते हैं भी आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू। और हमें रिप्लाई में क्या मिलता है भाई, रिप्लाई में मिलते हैं सेम हियर। मैंने किसी से कहा नाइस टू मीट यू, सामने वाले कह रहे सेम हियर, सेम हियर, राइट, सेम हियर। उसके बाद हम कहते हैं भाई, सामने वाले का हालचाल पूछते हैं, भाई आप कैसे हो। सामने वाले क्या पूछते हैं, भाई हालचाल पूछते हैं, आप कैसे हो, आप कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, है ना, हाउ आर यू। तो सामने वाला क्या कहते हैं, आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू टेल, आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू टेल। हम फिर जवाब देते हैं भी सेम हियर, सेम हियर, यानी हमने अपने बारे में बताया, आई एम प्रीटी वेल, मैं भाई ठीक हूँ, आई एम प्रीटी वेल, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद आपका, आपने मुझे पूछा, थैंक यू, एंड यू टेल। ठीक है, तो क्या बना भाई, आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू टेल, आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू टेल। तो सामने क्या कह रहे हैं, सेम हियर, क्या कह रहे हैं, सेम हियर। अब क्या हम सिर्फ ये आई एम प्रीटी वेल ही कह सकते हैं इसका रिप्लाई, हाउ यू का रिप्लाई क्या हम प्रीटी वेल ही कह सकते हैं। कि किसी भी भाई बहन ने आपसे पूछा हाउ आर यू, क्या पूछा भाई, हाउ आर यू, क्या कहना है, हाउ आर यू, क्या बोलना है इसको, हाउ आर यू, क्या बोलना है भाई, हाउ आर यू, राइट। तो एक तो आपने कहा भी आई एम प्रीटी वेल थैंक्स इन यू टेल, लास्ट वीडियोस के अंदर हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, और कुछ भी हम कह सकते हैं, कि हम कह सकते हैं भाई आई एम इन द सेवंथ हेवन। तो दोस्तों क्या कह सकते हैं, हम आई एम इन द सेवंथ हेवन, बोलो आई एम इन द सेवंथ हेवन, बोलो आई एम इन द सेवंथ हेवन, आई एम इन द सेवंथ हेवन। ठीक है, या हम कह सकते हैं आई एम ऑन द On three cloud, cloud nine, क्या कह सकते हैं अभी, on the cloud nine, दोनों का मतलब ये कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, इस मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इस मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, मैं खुश हूँ, इस मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, I'm in the seventh heaven या I'm on the cloud nine। ठीक है, तो ये भी आपके जो रिप्लाई हो सकते हैं। और आगे आपको फिर से वही क्वेश्चन, अभी थैंक्स एंड यू टेल, ये तो आपको पता ही है। सामने वाला क्या कहे, फिर सेम हियर, ठीक है, सेम हियर। हमने ये जो लाइन है आपको साथियों बताई है, किसके लिए बताई भाई, आम टीटी फेल, उसके जगह ये चीजें भी आप यूज कर सकते हैं हो। ठीक है, यस, ये चीजें भी आप यूज कर सकते हो, राइट। तो देखो दोस्तों, स्पोकन के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि भी आपके मन में ये चीज़ है कि हम स्पोकन को सिर्फ बुक से पढ़कर ही सीख जाएंगे, ठीक है, बिना बोले ही सीख जाएंगे, तो मेरे प्यारे साथियों आप एक भ्रम में हैं। ठीक है, यू आर इन अ इल्यूजन, क्या कहते हैं भाई, यू आर इन अ इल्यूजन, आप किसी गलत फहमी का शिकार हो। ठीक है, यू आर अंडर मिस्टेकन इम्प्रेशन, क्या कहते हो, यू आर अंडर मिस्टेकन इम्प्रेशन। लॉजिक क्या बोलोगे, यू आर अंडर मिस्टेकन इम्प्रेशन, बोलो यू आर अंडर मिस्टेकन इम्प्रेशन, यू आर अंडर मिस्टेकन इम्प्रेशन, यू आर
अंडर मिस्टेकन इम्प्रेशन, राइट। आप किसी गलती का शिकार हो, यू आर अंडर मिस्टेकन इम्प्रेशन, ठीक है, इस यू आर अंडर मिस्टेकन इम्प्रेशन। तो साथियों, गलती का आप शिकार हो, गलत फहमी का शिकार आप हो, राइट। अपने आप को करेक्ट करें, स्पोकन के लिए स्पोकन करनी पड़ेगी, स्पीकिंग के लिए स्पीकिंग करनी पड़ेगी, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ठीक है। और बिना सेवा के मेवा नहीं है भाई, बिना मेहनत के फल नहीं है कभी भी, ठीक है। तो क्या कहते हो भाई, नो पेंस, नो पेंस नो गेंस। क्या कहोगे साथियों, नो पेंस नो गेंस। पेंस क्या होते हैं भाई, पेंस क्या होते हैं, एफर्ट्स। यस, पेंस क्या होते हैं, एफर्ट्स, राइट। तो नो पेंस नो गेंस, नो पेंस नो गेंस, नो पेंस नो गेंस। बिना सेवा के मेवा नहीं है, बिना सेवा के मेवा नहीं है, नो पेंस नो गेंस। कुछ चाहिए तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, भरोसा मैं दिलाता हूँ, आप इंग्लिश सीखोगे। क्या कहोगे भाई, आई एश्योर यू, क्या बोलते हो, आई एश्योर यू, क्या कहते हो साथियों, एश्योर यू, आई एश्योर यू, क्या कहोगे, आई एश्योर यू। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप किसी को भी, किसी भी काम को, अपनी बात का भरोसा सामने वाले को दिखा दिलाते हो तो क्या कहोगे, आई एश्योर यू, क्या कहोगे भाई, आई एश्योर यू, मुझ पर भरोसा रखो, रेस्ट एश्योर। क्या कहोगे साथियों, रेस्ट एश्योर, रेस्ट एश्योर, क्या कहोगे दोस्तों, रेस्ट एश्योर, मुझ पर भरोसा रखो, रेस्ट एश्योर, ट्रस्ट मी, क्या कहोगे साथियों, यस ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ठीक है, यस मुझ पर भरोसा रखो, ट्रस्ट मी, बोलो भाई, ट्रस्ट मी, बिलीव ऑन मी, बिलीव ऑन मी, बोलो साथियों, बिलीव ऑन मी। तो ये चीजें हम यूज कर सकते हैं, राइट, यस ये चीजें हम यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों वैसे वैसे चलिए, ठीक है। कभी भी कहीं भी जिंदगी में स्पोकन के इस कोर्स के दौरान, जिंदगी में तो नहीं, स्पोकन के इस कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, इस कोर्स के दौरान कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो चिंता मत करो, क्या कोई, डोंट वरी, क्या कहोगे भाई, डोंट वरी, मैं हूं ना, यस डोंट वरी, मैं हूं ना, आई एम हियर, बोलो, आई एम हियर, डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट वरी, आई एम हियर, यस डोंट वरी, आई एम हियर, जस्ट मिनट। सॉरी फ्रेंड्स, आई हैड टू गो आउटसाइड। सो तो हम बात कर रहे थे मेरे दोस्तों, जब भी हम किसी को विश्वास दिलाते हैं, ठीक है, कि भाई मैं संभाल लूंगा सारी चीजें, ठीक है, डोंट वरी आई एम हियर, क्या कहोगे, डोंट वरी आई एम हियर, राइट। सो ये जो चीजें हैं मेरे दोस्तों, ये जो चीजें सारी की सारी, ये आपकी बिल्कुल जुबान पर होनी चाहिए, ठीक है, ऑन द टिप ऑफ योर टंग, क्या कहोगे भाई, ऑन दी टिप ऑफ योर टंग, ये क्या होनी चाहिए साथियों, ऑन द टिप ऑफ योर टंग, टिप ऑफ जो जीभ की आपका आगे का जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, टिप। तो ऑन द टिप ऑफ योर टंग, क्या होनी चाहिए, ऑन द टिप ऑफ योर टंग, राइट, यस बिल्कुल मेरे साथ साथ बोले, ऑन द टिप ऑफ योर टंग, ऑन द टिप ऑफ योर टंग, ठीक है, यस बोलना से बोलना आता है, कहते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यस। तो ये चीजें हैं जो वो आपके कारण से बिल्कुल टिप पर, साथ साथ बोले, हेडफोन यूज कीजिए, ईयरफोन यूज कीजिए और साथ साथ बोलो, ऑन द टिप ऑफ योर टंग, क्या, ऑन द टिप ऑफ योर टंग, यस बोलना है, इट्स अ मैटर ऑफ भाई प्रैक्टिस का मामला है, बोलोगे तो बोलना आएगा, तो प्रैक्टिस का मामला है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, यस इट्स मैच ऑफ, और भी यहाँ पर जोड़ दीजिए प्रैक्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, क्या कहोगे, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, जो कुछ भी यहाँ लिख दीजिए, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, पैसे का मामला है, इट्स मैटर ऑफ मनी, इट्स मैटर ऑफ मनी, इट्स मैटर ऑफ मनी, दोस्ती का मामला है, इट्स मैटर ऑफ फ्रेंडशिप, इट्स अ मैटर ऑफ फ्रेंडशिप, इट्स अ मैटर ऑफ फ्रेंडशिप, राइट, इस टाइम का मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, विश्वास का मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, जिस भी चीज का मामला है, शादी का मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ मैरिज, इट्स अ मैटर ऑफ मैरिज, राइट,
किसी भी चीज का मान लें, इस समय को यहाँ जोड़ दीजिए उस चीज को। तो ये सारी चीजें बेटा आपके कहा होनी चाहिए, ऑन द टिप ऑफ योर टंग, ऑन द टिप ऑफ योर टंग, राइट। बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो दोस्तों अभी तक जो हमने किया है, अभी तक जो हमने किया था लास्ट क्लास के अंदर, उसमें हमने बातें की थी भी हैबिट और रूटीन की, जिसके अंदर हम सामने वाले से पूछते हैं, किसे पूछते हैं भाई, डू यू एक्शन, क्योंकि एक्शन क्या होता है, कोई भी काम है ना, तो सामने वाला रिप्लाई करता है भैया तो आई एक्शन, या तो आई एक्शन, या फिर भाई आई डू नॉट एक्शन, आई डू नॉट एक्शन, राइट। तो एक्शन हम ले लेते, जैसे मेरे को भी आसान से एक्शन में कोई भी लूँ, गो टू क्लब, मैंने कहा डू यू, एक्शन क्या है, गो कहाँ, क्लब, गो टू क्लब, डू यू गो टू क्लब, डू यू गो टू क्लब, मैं जाता हूँ आई गो टू क्लब, मैं नहीं जाता हूँ आई डू नॉट गो टू क्लब, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे डू यू गो टू क्लब, तो क्या कहोगे, आई गो टू क्लब, आई डू नॉट गो टू क्लब, जाता हूँ आई गो टू क्लब, नहीं जाता हूँ आई डू नॉट गो टू क्लब, यही तो आंसर आपके सामने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये चीज तो हम कर चुके हैं, इससे ज्यादा आगे जब बढ़ते हैं तो कोई और व्यक्ति भी होता है काम को करने वाला, कोई और व्यक्ति भी काम को करने वाला होता है भी, वो कौन हो सकता है, ही हो सकता है या कोई भी सी हो सकती है भाई, ठीक है, ही हो सकती है या सी हो सकती है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, लकड़ा हो सकता है, लकड़ी हो सकती है ना, लकड़ी लकड़ी, यस, तो ही और सी, राइट। तो उसके साथ में एक्शन, राइट, ही एक्शन या सी एक्शन। लेकिन अब इसके साथ हमें क्या यूज करना है साथियों, अब ये जो एक्शन है ना वो एक्शन नहीं रहेगा, इसके साथ में एक एस और ई एस और यूज होगा, एक एस और ई एस और यूज होगा, ठीक है, एस और ई एस यूज होगा। जैसे प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्लेज, राइट है तो राइट्स, स्पीक है तो स्पीक्स, गो है तो गोज, अर्न है तो अर्न्स, काम है तो काम्स, राइट। तो काम्स मैं कहूँ, ही काम्स, वह करता है काम, इसका मतलब क्या है, वह काम करता है, मैं करता हूँ, वह करता है, ठीक है, वह खेलता है, ही प्लेज, क्या कहोगे साथियों, ही प्लेज, सी प्लेज, सी प्लेज। तो थर्ड पर्सन जो होते हैं वे, थर्ड पर्सन जो होते हैं साथियों, थर्ड पर्सन, लेकिन कैसे हो, सिंगुलर, थर्ड पर्सन कैसे हो, सिंगुलर। उनके साथ में जब उनकी हैबिट या रूटीन बताते हैं तो भी एक्शन के साथ में हम क्या यूज करते हैं, एस और ई एस, ठीक है। अब वो कौन कौन हो सकते हैं, ही है, सी है, राजू, सीता, गीता, कुछ भी किसी का नाम हो सकता है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, भी सिंगुलर होते हैं, ठीक है। एक हम इट को ले सकते हैं, है ना, इट भी क्या होता है, वहाँ सिंगुलर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी काम यहाँ थर्ड पर्सन करता है, ही या सी के साथ में जोड़ दो एक्शन के साथ एस और ई एस, राइट। अगर मैं कुछ एक्शन यहाँ लिखूँ, अगर जैसे कुछ मैं एक्शन यहाँ लिखता हूँ मेरे दोस्तों, एक्शन में यहाँ लिखता हूँ, तो पहला मैंने एक्शन लिया गो टू क्लब, तो मैं क्या कहूँ, अभी वह क्लब जाता है, ही गोज टू क्लब, क्या कहोगे, ही गोज टू क्लब, क्या कहोगे साथियों, ही गोज टू क्लब, ठीक है, ही गोज टू क्लब, राइट। दूसरा एक्शन अगर मैं लेता हूँ भाई, मैंने दूसरा एक्शन लिया आर्ग्यू विद अदर्स, अदर्स होते कोई भी दूसरे व्यक्ति, इसकी जगह भी मैं लगा सकता हूँ योर फ्रेंड, योर टीचर, यस, योर फ्रेंड, योर टीचर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर फादर, योर मदर, योर पेरेंट्स, राइट, किसी का भी हो सकता है, हाँ कुछ भी आ सकता है। आर्ग्यू, आर्ग्यू होता है बहस करना, जिद बहस करना किसी के साथ, तो वह करता है, ही आर्ग्यूज, आर्ग्यू के साथ क्या लग जाएगा, एस ओ एस, ही आर्ग्यूज विद somebody, he argues with others, he argues with his mother, he argues with his sister, he argues with his brother, right? तो इसे आगे भी fight with problems, fight with problems, he fights with problems, क्या कहोगे, he fights with problems, लड़की हो तो she fights with problems, she fights with problems, मैं किसी का नाम ले दूंगी, रानी, रानी फाइट्स विद प्रॉब्लम्स, रानी फाइट्स विद प्रॉब्लम्स, सीता, सीता फाइट्स विद प्रॉब्लम्स, मनीष, मनीष फाइट्स विद प्रॉब्लम्स, तो वो फाइट करता है प्रॉब्लम्स के साथ में, राइट। तो ये तो है साथियों, कोई भी काम वह करता है, मैं कभी वह काम नहीं करता है, ये यहाँ पे क्या यूज किया था भाई, डू यूज किया था, लो जी हमने डू को उतारा, राइट।
अब ये डू अपने आप में एक एक्शन भी तो है, यस, ये जो डू है ये अपने 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 आप में एक एक्शन भी तो है, और एक्शन है जैसे ही तो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ में एस और एस यूज करना है, तो क्या बनेगा भाई, डज और नॉट, और क्या आ गया भाई यहाँ पे, एक्शन। अब देखो जो एस और एस बेटा वो पहले ही यहाँ पे आ चुका है, तो इस एक्शन के साथ में एस और एस का यूज हम नहीं करेंगे, राइट। तो ही डज नॉट एक्शन, ही डज नॉट एक्शन, वह क्लब नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू क्लब, ही डज नॉट गो टू क्लब, वह आर्ग्यू नहीं करता, ही डज नॉट आर्ग्यू विद अदर्स, ही डज नॉट आर्ग्यू विद अदर्स, राइट। तो काम नहीं करता, ही डज नॉट एक्शन, ठीक है। अगर आपको पूछना है, अगर आपको सामने वाले से पूछना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, नोट से पहले देखो यहाँ पे भाई डू आया था, तो आपने डू आगे रखा, यहाँ पे नोट से पहले क्या आया भाई, डज आया है, तो डज को साथियों कहाँ रखोगे आगे, ठीक है, डज को आगे रखो। क्वेश्चन किससे पूछोगे भाई, अब बात हो रही किसी थर्ड पर्सन की, है ना, और एक्शन, डज ही एक्शन, क्या कहोगे, डज ही एक्शन। देखो दो इंसान बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, मैं और तुम, मैं और आप, ये बातें करते हैं। अगर वो एक दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं, भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके बारे में, आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरे ही बारे में, तो हम ये यूज करेंगे भाई, डू यू एक्शन, आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन। अगर बातें तो दो पर्सन कर रहे हैं, बातें तो मैं और आप कर रहे हैं, बातें तो मैं और आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में जिक्र किसी तीसरे का होता है, जिक्र किसी तीसरे का होता है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं भी डज, और ये रहा वो व्यक्ति, यस, डज ही, ये लड़की हो तो भाई सी, डज ही एक्शन, डज सी एक्शन, ही एक्शन के साथ में एस और यस, ही डज नॉट एक्शन, राइट। तो ये बात होती है भाई यूज यहाँ, ठीक है। एक्शन लाइन, मैं अगर पूछूं क्या वो क्लब जाती है, डज सी गो टू क्लब, क्या कहोगे, डज सी गो टू क्लब, एक्शन ये रहा, डज सी गो टू क्लब, जाती है, सी गोज टू क्लब, नहीं जाती, सी डज नॉट गो टू क्लब, सी डज नॉट गो टू क्लब, सी डज नॉट गो टू क्लब, आर्ग्यू करती है, क्या वह है, क्या वह आर्ग्यू करती है, डज सी आर्ग्यू विद अदर्स, वो करती है, सी आर्ग्यूज विद अदर्स, नहीं करती, सी डज नॉट आर्ग्यू विद अदर्स। तो जितने भी एक्शंस में यहाँ लिखूंगा मेरे दोस्तों वो ऐसे ही होंगे, ठीक है। बाय बैक बाइट, बैक बाइट होता है चुगली करना, इस बैक बाइट क्या होता है, चुगली करना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप चुगली करते हो, डू यू बैक बाइट, क्या कोई, डू यू बैक बाइट, एक ही जवाब होता है भाई, मैं तो नहीं करता, आई डू नॉट बैक बाइट, क्या कोई, आई डू नॉट बैक बाइट, क्यों, क्योंकि अच्छे काम करता हूँ ना मैं तो, यस, मैं तो अच्छे काम करता हूँ, राइट, आई एम द बेस्ट, क्या कहोगे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो बुरे काम कौन करता है भाई, वह करता होगा, वह करता है, ही बैक बाइट्स, क्या कहोगे, ही बैक बाइट्स, यस। अब एस और एस यहाँ लगेगा, ये नहीं करना कि हर बार आगे लगे, जो एक्शन होगा बाइट एक्शन है, यहाँ पे बैक एक्शन नहीं है, बैक तो क्या था, कमर, ये क्या है, बाइट्स एक्शन है, यानी किसी को पीछे से काटना, कमर से काटना, ये नहीं कि कोई जाए और आप उसको पीछे से सच में काट लो, ऐसा नहीं है, बस उसकी बुराई करना पीछे से, है ना, बैक बाइट्स। तो क्या कहोगे, डज ही बैक बाइट, डज ही बैक बाइट, वो करता है, तो ही बैक बाइट्स, ही बैक बाइट्स, नहीं करता, ही डज नो बैक बाइट, लड़की मुझे डज सी बैक बाइट, वो करती है, सी बैक बाइट्स, सी बैक बाइट्स, राइट, नहीं करती, सी डज नो बैक बाइट, सी डज नॉट बैक बाइट, राइट। वैसे कहा जाता है कि चलो नहीं कहते, चलो कह ही देते हैं, इस कहा जाता है कि जब तक कोई लड़की है, कोई भी लेडी है भाई, अगर वो किसी की यहाँ की बात वहाँ तक ना बता दे तो खाना नहीं पसता उसको, है ना। अब कितनी ये सच है, मेरा किसी को टारगेट नहीं है साथियों, बस मजाक की बातें हैं, ऐसा हमने सुना है, राइट, ऐसा हमने भाई सुना है ना, दो लेडी इकट्ठी बैठी एक दूसरे के बारे में बात करती, ए बहन तुझे पता है ना वो ऐसी है ना, दूसरी को, हाँ बहन वो ऐसी है, राइट, और वो जिसकी चुगली कर रहे हैं वो आ जाए वहीं पे, तो दोनों मिलकर कहेंगी, ए बहन तू कैसी है, राइट। तो चुगली नहीं करती, लेडीज भी नहीं करती हैं, हाँ लेडीज भी नहीं करती हैं, राइट। आगे बढ़े भाई, ड्राइव रेसली, ड्राइव रेसली, ए चलाइए, ड्राइव रेसली, तेजी से गाड़ी चलाना, क्या आप चलाते, डू यू
ड्राइव रेसली, मैं नहीं चला रहा, आई डू नॉट ड्राइव रेसली, लेकिन वो चलाता है, बट को जोड़ दीजिए बीच में, बट, है ना भाई, आई डू नॉट ड्राइव रेसली बट, लेकिन वो चलाता है, तो इस सेंटेंस को जोड़ो, ही ड्राइव्स रेसली, है ना, मेरे को भी आई डू नॉट एक्शन, बट दोनों को जोड़ा हमने, बट ही एक्शन के साथ में क्या आ गया भाई, एस एस और ईएस, है ना, दोनों को इकट्ठा करके जोड़ दो, आई डू नॉट बैक बाइट बट ही बैक बाइट्स, आई डू नॉट ड्राइव रेसली बट ही ड्राइव्स रेसली, है ना, इस आर मनी फिट्स एंड स्टार्स, अर्न मनी फिट्स एंड स्टार्स, ये होता है साथियों अल्टरनेट डे पे पैसे कमाना, यानी कभी काम कर लिया कभी नहीं किया, बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं कभी काम कर लिया कभी नहीं किया, तो कुछ भी, डज ही अर्न मनी फिट्स एंड स्टार्स, एक ही इडियम होती है सिर्फ इस, या फ्रेज होती है, डज ही अर्न मनी फिट्स एंड स्टार्स, वो कमाता है, ही अर्न्स मनी फिट्स एंड स्टार्स नहीं कमाता, ही डज नॉट अर्न मनी फिट्स एंड स्टार्ट, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, रेगुलरली, है ना, वो रेगुलरली कमाता है, रेगुलर वो कमाता है, राइट, यस, तो अर्न मनी फिट्स एंड स्टार्स, अर्न मनी फिट्स एंड स्टार्स, एक इडियम होती है कि रोज रोज जॉब को बदलने वाला इंसान कभी भी पैसा नहीं कमा सकता जल्दी, है ना, ये रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, क्या हो गई भाई, चलो ए बनाते हैं स्टोन, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, मॉस क्या होती है भाई, काई, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, है ना, यहाँ पे भी यही चीज यूज हुई है ना, रोलिंग स्टोन सिंगुलर है तो गैदर्स यूज हुआ है ना, यस गैदर्स यूज हुआ है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, राइट, हर रोज जो जॉब चेंज करने वाला व्यक्ति कभी पैसे नहीं कमा सकता, राइट, इसे आगे हम दोस्तों बढ़ते हैं भाई, और एक्शन चलो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, बिलीव इन गॉड, डज ही बिलीव इन गॉड, डज ही बिलीव इन गॉड, यस ही बिलीव्स इन गॉड, नहीं करता, ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, कई बंदे होते हैं भी अपनी गलती को स्वीकार ना करें, एडमिट मिस्टेक, ठीक है, अगर मैं पूछूं क्या आप करते हो, तो डू यू एडमिट मिस्टेक, डू यू एडमिट मिस्टेक, अपनी गलती जोर लगा दो बीच में, डू यू एडमिट योर मिस्टेक, मैं करता हूँ आई एडमिट माई मिस्टेक, नहीं करता हूँ आई डू नॉट एडमिट माई मिस्टेक, क्या वह करता है, तो डज ही एडमिट हिज मिस्टेक, वह करता है, ही एडमिट्स हिज मिस्टेक, नहीं करता, ही डज नॉट एडमिट हिज मिस्टेक, ठीक है, यस स्पीक पोलाइटली, स्पीक पोलाइटली, देखना साथी एक बार पूरी बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा हूँ, तो स्पीक पोलाइटली, स्पेलिंग में बोल देता हूँ, स्पीक की तो आपको पता है पोलाइटली, POLITELY, ठीक है, स्पीक पोलाइटली, प्यार से बोलना, डज ही स्पीक पोलाइटली, ही स्पीक्स पोलाइटली, क्या बोल, ही स्पीक्स पोलाइटली, नहीं बोलते, ही डज नॉट स्पीक पोलाइटली, ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये चीजें थी, अच्छा पोलाइटली का होता है क्या होता है अभी, ब्लंटली, यस साथ में लिख लीजिए, स्पीक ब्लंटली, BLUNTLY, स्पीक ब्लंटली, अभद्र भाषा बोलना, स्पीक ब्लंटली, अभद्र भाषा बोलना, है ना, गाली गलौज वाली आप कह सकते हो, गाली गलौज वाली वो मैं लिख देता हूँ भाई, हॉट वर्ड्स यूज, हॉट वर्ड्स, अब गाली का तो आपको पता ही पहले से, अब्यूज, है ना, एक और नया लिख लीजिए, यूज हॉट वर्ड्स, डज ही यूज हॉट वर्ड्स, ही यूजेस हॉट वर्ड्स, ही यूजेस हॉट वर्ड्स, क्या कहो, ही यूजेस हॉट वर्ड्स, यस, अब ये जो SOT हॉट नहीं होता, क्या होता है, हार्ट, क्या होता है भाई, हार्ट, यस क्या होता है, हार्ट, कोई भी आपको आप कर ये कहे, यस ही आप बड़ी हार्ट, आप बड़ी हॉट लग रही हो, ठीक है, तो उसे कहना ए बहन हॉट नहीं हार्ट,
क्या बोलना है, हार्ट, आई लाइक इट, हार्ट, राइट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज हमारी क्लास थी स्पोकन के बारे में, किसी हर पर्सन के लिए, ठीक है। अब सेंटेंसेस को देखो आप, इनको बट की सहायता से आपस में मिला सकते हो, बट कंजंक्शन डालो और ये मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं कभी आई एक्शन बट ही डज नॉट एक्शन, यहाँ इसके साथ जोड़ा है ना, बट जोड़ के यहाँ आई एक्शन बट ही डज नॉट एक्शन, प्रैक्टिस करनी आपको ऐसे ही, ठीक है। या मैं कहूँ आई डू नॉट एक्शन बट ही एक्शन प्लस एस और ईएस, राइट। अब एक चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि यहाँ पर ये जो एक्शन के साथ में सर एस और ईएस है ना, ये एस किसके साथ यूज करें, ईएस किसके साथ यूज करें, क्योंकि स्पोकन में तो हमें सब में से के साउंड आ रहे हैं, हमारी सीटी बज रही है वहाँ पीछे, है ना, यस सीटी बज रही है वहाँ, राइट, सीटी बजाए और लड़की आ, 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 तो ये देखना भाई, जिस भी एक्शन के लास्ट में यहाँ अगर वर्ड्स हों एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स और जेड, अगर साथियों किसी भी एक्शन के लास्ट में अगर ये वर्ड्स हों, राइट, तो उसके साथ में लगता है भाई ईएस, क्या लगता है ईएस, बाकी के साथ में क्या लगता है भाई एस। अगर मैं एग्जांपल लिखूं, प्ले लिखा मैंने और मैंने लिख दिया भाई गो, क्या लिख दिया गो, एक चलो लिख दिया मैंने वॉच, तो प्ले में लास्ट में क्या है वाई है, वाई यहाँ पे नहीं है, तो क्या जोड़ते हो एस जोड़ते हो खाली, हाँ एस जोड़ते हो। गो में क्या है ओ है, ओ यहाँ पे है ये रहा, तो क्या करोगे ई एस, वॉच में सी एच है तो वॉचेस, ही वॉचेस टीवी, ही वॉचेस टीवी। सो माय डियर फ्रेंड्स, see you in the next video, till then it was nice meeting you, and if you have not subscribed my channel, so please subscribe it, share it and like it, right, so see you in the next video, till then it was nice meeting you, kya kahoge same here, kya kahoge bhai same here, have a nice day, kya kahte have a nice day, iska jawab hota hai same to you, kya kahoge same to you, okay, bye bye, good night.